वेलकम टू आवर चैनल फॉन्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑटोमोबाइल्स और कार्स से रिलेटेड 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में ऐसे फैक्ट बताए हैं जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपका नॉलेज भी ग्रो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लिस्ट के फर्स्ट फैक्ट से। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में सक्षम पहली कार भाप से चलती थी और इसे निकोलस जोसेफ कॉग्नेट ने बनाया था, लेकिन मॉडर्न कार्स का बर्थ ईयर 1886 को माना जाता है, क्योंकि 1886 में जर्मन इन्वेंटर कार्ल बेंज ने अपने बेंज पेटेंट मोटर वैगन को पेटेंट करवाया था। सो अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड की फर्स्ट कार में स्टीयरिंग व्हील के बजाय एक लीवर का यूज किया गया था। गाड़ी को इधर उधर टर्न करने के लिए या मोड़ने के लिए स्टीयरिंग नहीं थी, उस कार में एक लीवर का यूज करके गाड़ी को इधर उधर मोड़ा जाता था। अब आता है फैक्ट नंबर 3। सो इस फैक्ट में हम आपको बताएंगे वर्ल्ड की फर्स्ट अफोर्डेबल कार के बारे में। तो वर्ल्ड की फर्स्ट अफोर्डेबल कार थी फोर्ड की मॉडल टी, जिसने कार ट्रेवलिंग को मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल बनाया। ये कार 1908 से 1927 तक चली, उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बारे में एक बात ये भी बताई जाती है कि उस टाइम के ऑटोमोबाइल की सेल्स में से लगभग 55% कार सिर्फ फोर्ड की मॉडल टी थी और बाकी बची अदर कार। सो बात है फैक्ट नंबर 4 पे। हमारी गाड़ी में जो पार्किंग ब्रेक्स, या जिन्हें हम जनरली हैंड ब्रेक्स कहते हैं, वो गाड़ी के ट्रांसमिशन से स्ट्रेस को कम करते हैं, और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार्स के लिए इसका यूज थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कार को गियर में छोड़ देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि कार मूव नहीं करेगी और इसका ट्रांसमिशन लॉक हो जाएगा। लेकिन गाड़ी को गियर में छोड़ने से उसका ट्रांसमिशन लॉक नहीं होता है, इससे सिर्फ उसका मूव करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन हैंड ब्रेक्स के यूज से ही कार का ट्रांसमिशन लॉक होता है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि हैंड ब्रेक्स के प्रॉपर यूज से गाड़ी के इंजन की एज भी बढ़ती है। सो हैंड ब्रेक्स का यूज जरूर करें। अब आता है फैक्ट नंबर 5। सो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि इंडिया की लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी है, जो कि हर एक मिनट में 2 कार बेचती है, और हर महीने की इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट में कम से कम 4 कार्स मारुति सुजुकी की जरूर होती है। अब आता है फैक्ट नंबर 6। सो फ्रेंड्स, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ल्ड में टोटल कितनी कार्स हो सकती हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं तो हम बताते हैं आपको कि वर्ल्ड में टोटल कितनी कार्स हैं। सो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2016 तक वर्ल्ड में 1.30 बिलियन, मीन्स 130 करोड़ कार, बसेज एंड ट्रक्स रोड पर थे। सो इसको आप ये भी समझ सकते हो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के इक्वल कार्स ऑल अराउंड वर्ल्ड में उस टाइम थी, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सो अब आता है हमारा फैक्ट नंबर 7। मेरे हिसाब से आप सभी ने रोल्स रॉयस कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। सो फ्रेंड्स, रोल्स रॉयस के द्वारा आज तक की बनाई गई कार्स में से 75% कार्स आज भी रोड पर हैं या चलती हैं, और ये पॉसिबल हो सका है सिर्फ और सिर्फ इसकी मेंटेन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और इसके द्वारा कम कार्स बेचने के कारण। सो अब आता है फैक्ट नंबर 8। सो इस फैक्ट में हम आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है। सो हम बात कर रहे हैं वॉक्स वैगन ग्रुप की। फ्रेंड्स, वर्ल्ड की टोटल कार कंपनीज में से 12 कंपनीज वॉक्स वैगन ग्रुप में आती हैं, और इनमें ऐसी ऐसी कार कंपनीज के नाम हैं जो सुन के आप चौंक भी सकते हैं। सो ये हैं स्कैनिया, मैन, ऑडी, स्कोडा, सीएट, बेंटले, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, डुकाटी, वॉक्स वैगन कमर्शियल व्हीकल्स एंड वॉक्स वैगन पैसेंजर व्हीकल्स। सो इसमें बेंटले, पोर्शे, डुकाटी, ऑडी, लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी बड़ी कार कंपनीज आती हैं। इसी के कारण ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है। अब आता है हमारा फैक्ट नंबर 9। सो शायद आपको पता नहीं होगा कि हम गाड़ियों में जो सीट बेल्ट पहनते हैं, वो हर 6 मिनट में एक आदमी की जान बचाता है, और
और इसका इन्वेंशन वॉल्वो कंपनी ने किया था, लेकिन वॉल्वो ने इसका पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि वॉल्वो चाहती थी कि सीट बेल्ट का यूज हर कार कंपनी करे और कार्स में पैसेंजर की सेफ्टी बढ़े। सो अगर आप सीट बेल्ट का यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो प्लीज सीट बेल्ट जरूर पहने। सो अब आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, अगर हम हमारी गाड़ी के रिमोट को, जिससे हम गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं, उसको रिमोट की रेंज से दूर ले जाकर 256 बार दबाएं तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। और ये इस कारण होता है कि रिमोट उसकी रेंज से दूर ले जाकर 256 बार दबाने से कार से सिंक खो देता है। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई ना ही करें, अगर आप करते हैं तो आप अपना रिमोट खो सकते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करके ज़रूर बताएं, और इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।